दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ बिल्कुल ग्रुप के साथ दिखाता हूँ, वीडियो को लास्ट देखिएगा। और यदि आप जो है जवान नवोदय विद्यालय में नौकरी अगर करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये अलग फॉर्म निकल चुका है। ये केवल इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन है, केवल इंटरव्यू के बेस पे, ठीक है। 5 जनवरी 2024 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है ना। और यहाँ पर सैलरी भी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं 9:30 बजे से इसमें इंटरव्यू है, ये तो आप जा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ, सैलरी आपकी 40,125 रुपये इसमें सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी जवान नवोदय विद्यालय कन्नौर के अंतर्गत जा सकते हैं। और जहाँ तक कि आपके लिए फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, इस वाले फ़ोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। नौकरी बढ़िया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ये बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे फोन करके आप चाहे पूछ लीजिएगा, ये बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है, चाहे इस नंबर पे फोन करके आप ये जो है पूछ सकते हैं। बस इस चैनल के माध्यम से हमेशा और हमेशा वैकेंसी से रिलेटेड ही जानकारी दी जाती है, अन्यथा कोई जानकारी नहीं दी जाती, ठीक है। वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। मैंने आपको ये वाला बात कितनी बार बताया कि भाई रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो भर्ती आई है, तो प्लीज इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आप रक्षा मंत्रालय, और यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है, यह आपकी क्लर्क है, ये ड्राइवर है, ये चौकीदार, चपरासी, यहाँ सफाई वाला, ये ग्रुप डी की नौकरियाँ हैं। ये सैलरी यहाँ पे शो कर दी, संख्या यहाँ पे दे रखी, क्लर्क की 26 पदों पर भर्ती निकाली गई है। रक्षा मंत्रालय का नाम आपने सुना नहीं होगा, तभी आप फॉर्म नहीं भर रहे, बार बार कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर जो है ये। और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म आप जो भर सकते हैं, www.echs.gov.in पर जाके भर सकते हैं। और यहाँ तक कि फ़ोन नंबर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर जो है ये, इस वाले फ़ोन नंबर पर जाके फ़ोन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये ना, ये रहा ये नंबर कॉर्नर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, प्लीज़ 31 तारीख आज लास्ट डेट है, आज 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। 10th क्लास पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आज इसकी अंतिम तिथि के लिए आज फॉर्म भर सकते हैं ये जो है ये। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप ये देख सकते हैं इंटर कॉलेज बाबू सैलरी लेखपाल से ज़्यादा, बिल्कुल सही बात आपने सुना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लेखपाल का जो है ग्रेड पे आपका 2,000 रुपये है, मतलब मूल वेतन लगा के 21,700 बैठेगा, तो कुल मिला के सैलरी आपको जो है ये, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे महंगाई भत्ता इतना है, और ये सब मूल वेतन 32,550 बैठेगा। अगर आप अलग से भी भत्ते अगर जोड़ देंगे यहाँ पे जो है ये, फिर भी जो है ये कुल मिला के आपकी जो है वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त भत्ते, ये सब मिला के 33,850 रुपये सैलरी इसमें बैठेगी आपकी। और जो है इसके अंतर्गत कटौती भी होगी, आप सभी जानते हैं NPS कटता है और साथ में बीमा कटता है, और यहाँ पे जो है टैक्स वगैरह कट जाता है। यहाँ पे जो है सैलरी आपकी यहाँ पे कट कटा के यहाँ पे जो है ये अभी कटौती यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, सैलरी आपको इन हैंड आपको सैलरी जो दी जाएगी, ये आपको यहाँ पे 30,495 रुपये इन हैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खाते में जो सैलरी आएगी इन हैंड आपकी जो है 30,000 रुपये जो है 30,495 रुपये है ना आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे क्लर्क की सैलरी देख लीजिए, LDC आप सभी जानते हैं LDC सैलरी कितनी होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है, तो मूल वेतन में वृद्धि होगी यहाँ पे जो है इस तरीके से, पूरी सैलरी आपकी जो मैं दिखा रहा हूँ इतने जो है 47,235 रुपये बनती है, और यहाँ पे कट कटा के यहाँ पे काट पीट के सबसे नीचे आएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं 37,200 इसमें जो 59 रुपये सैलरी बनेगी। एक क्लर्क जो है वो लेखपाल से टक्कर ले सकता है, और लेखपाल की सैलरी यहाँ पे क्लर्क से लेखपाल की सैलरी कम है और क्लर्क की सैलरी ज़्यादा है, तो एक इंटर कॉलेज क्लर्क की सैलरी जो है वो लेखपाल से कई ज़्यादा है। तो आपको कौन सी नौकरी करनी आप खुद देखिएगा यहाँ पे जो है। और लगभग जो है आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में आया था, मैंने आपको साथ दिखाया सबसे वीडियो का जो है आप स्किप करके देखते हैं ना, तो वीडियो सबसे बड़ी कमी क्या स्किप करके देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3,089 लिपक की भर्तियों की योजना जो है वो इसमें चल रही है, यहाँ पर 3,089 क्लर्क की। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो है 6 महीने में इसमें एडेड स्कूलों के लिपिक की भर्ती अगले 6 महीने में करने का प्रस्ताव यहाँ पर रख दिया गया है। मतलब क्या आपके लिए खुशखबरी है कि 6 महीने में भर्ती आपकी जो कंप्लीट हो जाएगी, भर्ती अटकी पड़ी है जो वाली जो है ये। वहीं पर जैसे थंबनेल में आपने देख लिया, अल्पसंख्यक स्कूल के बारे में बताया गया, ये हैं 1161 जो है शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए एजेंसी जो है ये वो तैयार कर रही है, कहने मतलब अशासकीय जो संस्कृत स्कूल है उसमें भी भर्ती निकाली जाएगी। फिलहाल ये लिपिक भर्ती आपको जो है ये 100% जो है ये मिल जाएगी, और कितने पदों पर निकाली जाएगी अभी जो है ये लिपिक भर्ती आपकी 3,089 पदों पर जो है योजना इसमें चल रही है सहायता प्राप्त स्कूल के अंतर्गत जो है ना। और जो फिलहाल भर्ती निकाली गई है वो पुरानी भर्ती बहुत जल्द आपको नए साल में देखने को मिलने वाली है, और नए साल इसमें जो है आपको शुभकामनाएं नए साल की जो है ये है ना। और वीडियो को बीच में आप ये पूरा स्किप करके मत देखा करिए जो है ये।
और यहाँ पर शिकंजा कस गया है, यहाँ पर जो कंप्यूटर यहाँ पर लिखो सरकारी डिपार्टमेंट के अंतर्गत के में जुड़ी संस्थाओं के अंतर्गत यहाँ आउटसोर्सिंग भर्तियाँ जो गड़बड़ी होती गई हैं, तो यहाँ पे क्या है अब कंप्यूटर करेगा। यहाँ पर भी जो है इसमें यहाँ पर लिखा गया, इसमें जो है कि कंपनियाँ और ले देकर भर्तियाँ होती थी, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आउटसोर्सिंग की भर्ती के नाम वसूली करते थे, तो यहाँ पर जो है अब कंप्यूटर के आधार पर जो है ये भर्ती कराई जाएंगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया इसमें कंपनी नहीं, अब जो है सिर्फ जो है कंप्यूटर से इसमें जो है इसमें होंगी भर्ती। ठीक है, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं वसूली की शिकायतें मिलती गई हैं, आप टेंशन रहिए फ्री जो है ये आपको पता ही, लड़के यहाँ पर लगातार जो है धंधा प्रदर्शन करते रहते हैं, रोजगार अधिकार है इनका, सही बात है, रोजगार तो मिलना चाहिए, लगभग पुरानी फंसी भर्तियाँ भी इनको जो है बहुत जल्द करानी चाहिए इन यहाँ पर जो है। और ये पारस्परिक जो है ट्रांसफर के लिए यहाँ पर भी है लेटर भी जारी कर दिया गया था, है ना, तो इसके जो है ऑफिशियल पोर्टल भी खोल दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 13 जनवरी से पहले पहले अगर आप जो है शिक्षक हैं ये तो आप ट्रांसफर करा सकते, तो पूरा ब्यौरा यहाँ जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो है सर हम जो गुलाब सिंह इंटर कॉलेज में जो है सरकारी चपरासी बन गए, आप बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है मैंने आपको बोला है ना सैलरी इसमें जो है ये आपका अच्छी सैलरी, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर लड़के कमेंट कर रहे हैं लगातार, सर जो है मेरे इंटर कॉलेज में चपरासी नौकरी लग गई है आपके वीडियो देख के, समझ रहे हैं ना, है ना, और आप समझते हैं कि मतलब नहीं है, भाई ने कहा मैं कमेंट किया हुआ सर मैंने पता किया कि अधिकारियों से जो है राजकीय इंटर कॉलेज में चपरासी भर्ती जो है कई जिलों में काम चालू हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई, मैं खुद अधिकारी के संपर्क में रहता हूं, और देख लीजिए वीडियो का अभी वीडियो के बारे में बताऊंगा मैं, मतलब वीडियो का जो है वो रिजल्ट बनकर तैयार है, और जिस तरीके से लेखपाल भर्ती का इन्फॉर्मेशन मैंने 6 घंटे पहले आपको बता दिया था कि रिजल्ट जारी होने वाला, ऐसा कोई ये यूट्यूबर नहीं है जो बता दे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिजल्ट आने से पहले पहले इन्फॉर्मेशन दे दे। यहाँ पर लिखा हुआ सर लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करें, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से लिस्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये और यहाँ पर लड़कों को टेंशन हो रखी है कि यार एक बार बताइए सर जो आउटसोर्सिंग जॉब जो है कहाँ से करें या ना करें, यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हटा तो नहीं है दिए जाएंगे, सही बात है, टेंशन रहता कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है। और यहाँ पर भी जो है कमेंट किया हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है GIC इंटर कॉलेज में सरकारी चपरासी भर्ती 31-32 पदों पर चालू हो चुका है कौन कौन से जिलों में, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या काम चालू हो गया GIC इंटर कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है राजकीय इंटर कॉलेज में चपरासी भर्ती का जो काम चालू हुआ है अभी, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बाकी मैं आपको अधिकारी संपर्क करके जो है बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी लड़के कमेंट कर रहे हैं सर, यहाँ पर बता रहे हैं सर मेरा इंटरव्यू के लिए जो है इसमें महिला जो है कल्याण विभाग में जो है नोटिस आया था लेकिन मैं जो है नहीं जा रहा हूँ, देख सकते हैं एक तरफ लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही और दूसरी तरफ ये इनका आ भी रहा कॉल लेटर, तो ये बेचारे परेशान है ये जा नहीं रहे देने के लिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इनका अपना वो है, अब जो है नया साल जो है लगने वाला है, नया साल जो है ये, ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है नए साल के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, 31 तारीख 12 बजे के बाद लग जाएगा नया साल, तो उसके लिए एडवांस में आप सभी को जो हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करिए प्लस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।